मुझे माफी मांगनी थी तुमसे, बहुत बुरा किया है मैंने तुम्हारे साथ, तुम्हें बहुत बुरा भला कहा है, नहीं करना चाहिए था। गुस्सा कहीं ना सारी तकलीफ। तुम्हारी खैर है, मुझे अपनी फिक्र होती है, मुझसे बात भी नहीं कर। कुछ बोलो भी, और ये अच्छी तरह जानती हो कि तुम मेरे लिए कितनी है। कभी कभी दूसरों की मदद करने से अपनी मदद हो जाती। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास कोई और ठिकाना नहीं है, मैं कहीं और जा नहीं सकती? ड्रामा सिर्फ बेटियां में आप देखेंगे, साथ अपनी माँ से कहता है कि मैं आयजा से कई बार माफ़ी मांग चुका हूँ लेकिन वो मुझे माफ़ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आप ही कुछ समझाएं उन्हें, आप जाएं उसके पास, वो आपकी बात हर मान लेती है। इस पर साथ की अम्मी कहती है कि ठीक है, मैं आयजा के पास ज़रूर जाऊँगी। साथ की माँ आयजा के पास आती है और कहती है कि आयजा, साथ को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, उसे माफ़ कर दो। इस पर आयजा कहती है कि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो साथ की माँ कहती है कि मेरी खातिर तुम साथ को माफ़ कर दो। इस पर आयजा खामोश हो जाती है और साथ को माफ़ कर देती है। आगे आप देखेंगे। दानिश को मालूम हो जाता है कि फीजा घर मम्मा की वजह से छोड़कर गई हैं, मम्मा ने उसे बातें सुनाई हैं। वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप कैसे उसे ये कह सकती हैं, औलाद तो किस्मत में होगी तो मिल जाएगी हमें, मैं फीजा के बगैर नहीं रह सकता। आप ही उसे कहें कि वो घर वापस आ जाए क्योंकि वो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या दानिश की माँ फीजा को वापस आने के लिए कहेगी या नहीं?